गुड मॉर्निंग बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर अपने पास सेवन आ जाएगा और वीडियो आएगा फर्स्ट। आज अपना जो चैप्टर है वो आएगी आर्थिक क्रियाएं, यानी व्यवसाय क्या है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या है और अपने कितने प्रकार के व्यवसाय हैं, वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं, कौन कौन से व्यवसाय में कौन कौन से कार्य को रखा गया है, कार्य को व्यवसाय को आधार कितने भागों में इसको बांटा गया है। संसार के सभी देशों के अंदर व्यवसाय को पांच भागों में बांटा गया है, जो व्यवसाय के अलग अलग प्रकार हैं, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यवसाय के द्वारा हम किस क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय पढ़ेंगे तो हम ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, उसे प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं और वो कार्य किस प्रकार से हमारे क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कार्य के आधार पर ही ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र का विस्तार होता है, क्षेत्र डिवाइड किए जाते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से हैं, आज अपने इनको समझते हैं कि व्यवसाय क्या है और आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रियाएं हमारे पास है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषा अपने पास है वो किस प्रकार से अपने इस परिभाषा को बनाएंगे। आर्थिक क्रिया हम लोग ये देखो, आर्थिक का हम अर्थ करते हैं क्योंकि इसी टॉपिक में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। हम कैसे परिभाषा निकालते हैं, देखिए आर्थिक का हम अर्थ निकालते हैं, इस भाव को दो भाव डिवाइड करते हैं, अर्थ प्लस क्रिया। आर्थिक क्रिया को दो बार डिवाइड कर लिया अपने, अर्थ प्लस क्रिया, और अर्थ का मतलब होता है आय। अर्थ मतलब क्या होता है, आय होता है, और क्रिया का मतलब होता है काम या कार्य। ये बात अगर हम समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रिया का हमने दो शब्दों डिवाइड कर दिया, अर्थ प्लस कार्य या अर्थ प्लस क्रिया। अर्थ का मतलब होता है आय या धन, और क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम होता है। तो हम दोनों इन बातों को जान ले समझे तो हमारी परिभाषा बन सकती है, वह सभी कार्य जिन्हें करने से हमें आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है या धन प्राप्त होता है। वह सभी क्रियाएं जो भी हम क्रिया करते हैं, या प्राथमिक क्रिया कीजिए, या द्वितीय क्रिया कीजिए, या तृतीय क्रिया कीजिए, या चतुर्थ क्रिया कीजिए, कोई सी भी प्रकार की क्रिया आप करते हैं और उस क्रिया के बदले में, उस क्रिया के करने के बाद हमें जिस धन की प्राप्ति होती है या हमें आय की प्राप्ति होती है, वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी, और इन्हीं क्रियाओं को हम अलग अलग व्यवसाय में रखते हैं। कौन सा व्यवसाय किस प्रकार से क्षेत्र दर्शाता है, व्यवसाय को हम किस प्रकार क्रिया के आधार बांटते हैं, वो हम पांच भागों में इसको डिवाइड करते हैं, पंचम भागों में बांटते हैं। हमारे जो व्यवसाय है वो पांच भागों में है, पांच भागों में व्यवसाय को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, और उन सभी में जो क्रियाएं की जाती हैं और उन क्रियाओं से हमें जो आय प्राप्त होती है वो कहलाती है हमारी आर्थिक क्रिया। तो हमारे समझ में आ गया हम क्या पढ़ना चाहते हैं आज। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो व्यवसाय है वो व्यवसाय क्या है, और उन जो व्यवसाय में हम क्या काम करते हैं, और उनसे हमें जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को किस नाम से पुकारते हैं, वो क्रियाएं कहलाते हैं आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, वह सभी कार्य जिन्हें करने के बाद हमें आय प्राप्त होती है। ऐसे सभी कार्य, कोई सभी कार्य हो सकता है। तो हम इस प्रकार के डिवाइड करके इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं यह प्रश्न कई बार बोर्ड के अंदर आ गया है। तो इस बात को ढंग से समझ लें, आर्थिक क्रिया में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। आर्थिक क्रिया को दो बार डिवाइड कर लीजिए, अर्थ प्लस क्रिया, अर्थ का मतलब हो गया आय या धन, क्रिया मतलब हो गया काम, वह सभी कार्य जिन्हें करने से हमें क्या प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये हो गया प्रभास। अब आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं अपन। तो आर्थिक क्रिया को अपने
पांच भागों में बांटा है जिन्हें पंचम व्यवसाय के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पास पांच भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला अपने पास इसका नाम है प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। दूसरा अपने पास है द्वितीय क्रिया, द्वितीय व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय लिख देना अपन, प्राथमिक व्यवसाय को लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे अपन तृतीय, तृतीय व्यवसाय करते हैं यहां पे, और यहां पर अपन करते हैं चतुर्थ व्यवसाय, और यहां पर लेंगे अपन पंचम व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। इस प्रकार हमने इनको पांच भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया? पांच भागों में। ये आर्थिक क्रिया के पांच व्यवसाय हैं जिन्हें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास हो गए पांच व्यवसाय हो गए, इन्हें भी व्यवसाय लिख देते हैं। व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो अब इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ये क्षेत्र क्या क्या हैं और किस प्रकार के क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो देखिए हमारे पास कार्य हो गए, व्यवसाय कितने हो गए अपने पास? पांच व्यवसाय हो गए, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। ये पांच प्रकार के हमारे व्यवसाय हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास ये है मोस्ट इसको। अब इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हमारा जो पहला व्यवसाय है उसका नाम है प्राथमिक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय है। और प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? पहले तो ये परिभाषा, उसके बाद में होगा इसके कार्य कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, किस प्रकार के कार्य को उसमें शामिल किया गया है और वो कार्य किससे संबंध रखते हैं, ये परिभाषा हमें जाननी पड़ेगी। तो पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि वो परिभाषा क्या है। देखिए प्राथमिक है तो पहला कार्य है और पहला काम जो अपने पास है वह सभी कार्य जो भूमि से प्रत्येक संबंध रखते हैं। किससे रखते हो? भूमि से प्रत्येक संबंध रखते हैं, उन सभी कार्यों को हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं या भूमि से प्रत्येक संबंध रखकर किए जाते हैं, यानी भूमि के ऊपर जाकर ही हम कर सकते हैं, ऐसे कार्यों को हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं या भूमि से प्रत्येक संबंध रखकर किए जाने वाले सभी कार्यों को प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। ये हमारा पहला व्यवसाय है जो कि भूमि से पेश टू पेश प्रत्यक्ष में जुड़ा हुआ होता है। बिना भूमि पर किए हम इस कार्य को नहीं कर सकते, इसलिए इसको रखा गया है अपने पास। हम किसी प्रकार से अपनी परिभाषा बना सकते हैं, वह सभी कार्य जो भूमि से प्रत्येक संबंध रखते हैं या वह सभी कार्य जो भूमि को भूमि पे जाकर ही किए जा सकते हैं या वह सभी कार्य जो भूमि से संबंध बनाकर किए जा सकते हैं, ऐसे सभी कार्यों को हम किस में रखते हैं? हम उनको प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया अपने पास, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा अपने पास आएगी, वह सभी कार्य जो भूमि से प्रत्येक संबंध रखकर किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। और इस व्यवसाय में छह प्रकार के कार्य को रखा जाता है। कितने प्रकार के रखते हैं? छह प्रकार के कार्य को रखते हैं। देखिए पहला कार्य, पहला कार्य अपने पास है कृषि करना। पहला काम कौन सा है? कृषि करना। नंबर दो अपने पास है पशुपालन करना, पशुपालन करना। नंबर तीन अपने पास है संग्रहण करना, संग्रहण करना। नंबर चार अपने पास है पहला कृषि करना, दूसरा पशुपालन करना, तीसरा संग्रहण करना, चौथा अपने पास है आखेट करना, आखेट करना। और पांचवा अपने पास है आखेट करना, खनन करना, खनन करना। और छठा अपने पास है मत्स्य पालन करना, मत्स्य पालन करना। ये अपने पास छह प्रकार के कार्य हो गए
प्रातिम व्यवसाय की परिभाषा हमने बता दी, और प्रातिम व्यवसाय परिभाषा समझने के बाद में आप लोगों के पता चलना चाहिए कि कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कार्य जानना जरूरी है। परिभाषा के अकॉर्डिंग इसके कार्य आएंगे। हमारी परिभाषा ये कहती है कि प्रातिम व्यवसाय उसे कहते हैं जिसमें पृष्ठभूमि से प्रत्येक संबंध रखते कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे कार्य हमारे पास कितने हैं? हमारे पास ऐसे कार्य 6 प्रकार के कार्य हैं जो प्रातिम व्यवसाय में रखे गए हैं। तो देखिए, पहला कार्य हमारे पास है कृषि करना। पहला कार्य कौन सा है? कृषि करना। और कृषि करना किसे कहते हैं, या कृषि किसे कहते हैं, या खेती किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? तो क्या परिभाषा, किस प्रकार से परिभाषा बनाएंगे इसकी, कि अगर आपसे पूछ लिए कि बताइए कृषि किसे कहते हैं, ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है आपसे कि कृषि किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती है, तो बताइए परिभाषा क्या होगी इसकी। तो कृषि की परिभाषा ये होगी कि उदर पूर्ति हेतु अन्न उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। उदर यानी पेट पालन हेतु लिख सकते हैं, पेट पालन हेतु अन्न उत्पादन करने वाली, अन्न सब्जियां उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को कृषि के नाम से जाना जाता है। और हमारी जो कृषि है वो कई प्रकार की होती है, जिसके अलग अलग प्रकार के नाम है। स्थानांतरित कृषि भी है, जीवन निर्वाह कृषि भी है, वाणिज्य पशुपालन कृषि भी है, खाद्य कृषि है, नगदी कृषि है, कई प्रकार की कृषि होती है। लेकिन हमारी परिभाषा